हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप एकेडमी मैं नंदिनी सिंह हम सबका स्वागत करती हूँ हमारे वन शॉट लेक्चर जो कि बेस्ड है मॉड्यूल नंबर दैट इज इक्विलिब्रियम जो फोर्सेस का पार्ट होता है राइट अब ये लेक्चर तो हमने छह सात वीडियो में पहले कवर किया है बट यहाँ पे वन शॉट है तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगी आप सबको एक घंटे में ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ये कंसेप्ट में मेजर टॉपिक्स कौन से है वो आपके बोर्ड के सामने है राइट बस आपको क्या करना है दोस्तों ये टॉपिक का यूज कैसे होता है क्वेश्चन देखकर एग्जाम में टॉपिक का यूज कैसे करना वो आपको आना चाहिए आप देन तो तो जो आप देख सकते हो बोर्ड पे जो आपको फर्स्ट टॉपिक है कंडीशन कौन कौन सी जरूरी है ये जाननी सबसे इंपॉर्टेंट है अब कौन कौन सी कंडीशन है दोस्तों अगर आपको याद होगी तो सबसे पहले हमें क्या लेना है इफेक्ट्स क्या दोस्तों क्यों क्योंकि नाम क्या है क्वेश्चन का नाम क्या चैप्टर का नाम क्या इक्वलिब्रियम इक्म मतलब क्या होता है बॉडी मूव नहीं करेगी बॉडी वहीं का वहीं रहेगी भले उसमें कितने भी फोर्सेज लग जाने दो, दोस्तों ठीक है तो सेकेंड मॉडल में आपको क्या किससे डील करना है कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो अनोन फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं अगर बॉडी किसी के सपोर्ट में खड़ा है तो सपोर्ट कितना फोर्स लगा रहा है यह सब पता करने के लिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है इक्विलिब्रियम तो, तो यहाँ पे मैंने हमारा ग्रीन कलर ले लिया है क्योंकि टॉपिक का कलर ग्रीन से लिखा तो चलो ग्रीन से पढ़ते है, है ना जस्ट अ लॉजिक नॉर्मल लॉजिक इसमें कुछ ऐसा है नहीं ठीक है अब कंडीशन कौन कौन से दोस्तों सबसे पहले आपका अगर आपने पिछले वाला वन शॉर्ट लेक्चर नहीं देखा तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप पहले वो लेक्चर देखे कि कि उसमें मैंने आपको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि मोमेंट क्या होता है तो यहाँ पे सारे मोमेंट का सम जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एफ ऑफ वाई क्या है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है सिंपल एफ ऑफ एक्स क्या होता है जो भी एक्स एक्स केड एक्सेस एक्सेस पर, जो भी फोर्सेस लगते हैं मतलब हॉरिजेंटल बॉडी पे लग रहे हैं है है, 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 है दोस्तों और एफ ऑफ वाई वाई यानी कि वर्टिकल फोर्सेस यहाँ लग रहा है क्या लग रहा है क्या लग रहा है फोर्सेस ऐसे जो फोर्सेस लगते हैं तो उनको बोला जाता है समेशन ऑफ एफ वाई वर्टिकल फोर्सेस का ऑलवेज इक्वल टू जीरो आपका हो जाता है कंडीशन टू मेंियम सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ताकि आपकी बॉडी मूव ना हो ठीक है ना लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज फ्री बॉडी डाइग्राम दोस्तों फ्री बॉडी होता क्या सिंपल है फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि जब आपकी बॉडी बहुत सारे बॉडी यानी कि बीन सिलेंडर हो गया ब्लॉक हो गया एंड ऐसे बहुत सारी जब चीजें एक साथ एक आपको डायग्राम में असम्बल करके दिया हो तो आपको उसके लिए क्या बनाना रहता है एफ बी डी यानी कि एक एक पार्ट को अलग करो सेपरेट आउट करो एंड देन चेक करो कि इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट करे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो अब यहाँ पे एक ब्लॉक है ठीक है अब ये ब्लॉक किसी एंगल पे प्लेस्ड है ना तो सबसे पहली बात जो एफ बी डी बनाने के लिए आपको लगता है एफ बी डी हमने ब्लू से लिखा तो चलो ब्लू से सा इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ओके okay. तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर सबसे पहली बात ये किसी एंगल पे प्लेस्ड है जमीन स्ट्रेट नहीं है जमीन किसी एंगल से है एंगल से उठी हुई है तो ये किसी एंगल पर प्लेस्ड है अब ये ब्लॉक जो है दोस्तों उसका खुद का एक वेट होगा उसका खुद का एक वेट होगा तो कभी भी याद रखो अगर आप एफ बना रहे हो तो एफ के रूल्स नहीं बोल सकते से मतलब एक्चुअल प्रोसेस कैसे होना चाहिए सबसे पहले बॉडी का वेट दिखाओ कैसे दिखाना है एट सेंटर एंड वर्टिकली डाउनवर्ड कहा बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड ओके तो ये ब्लॉक का वेट कैसा आएगा सेंटर में और ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा आप ये ब्लॉक का वेट ऐसे नहीं बना सकते हो नो दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा वर्टिकल रहना चाहिए वो ओके okay? तो ये आपको हो गया उसका वेट का डायग्राम देन दोस्तों ये वेट का डायग्राम होने के बाद अब ये ब्लॉक मान लो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये किसी फोर्स से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये उसका फोर्स हो गया और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये किसी लैंड पे है तो वो जमीन का ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स आएगा दो ये चैप्टर में फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट हम डिटेल में नहीं लेने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल है वो भी आपके लिए बन जाएगा उसका भी वन शॉट आपके लिए बना दिया जाएगा तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे सिर्फ ऊपर से एक आइडियालेन कि आपको हाँ समझ में आए कि किस तरह एफ बी डी होता है तो यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ जाए तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आएगा राइट ये इसका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा ये नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर और ये उसका डब्लू तो ये जो आपने यहाँ पे सारा फोर्सेस असेंबल किया है इसको जब आप रिजोल्व करोगे क्या करोगे दोस्तों रिजोल्व क्यों क्योंकि चलो ये तो वर्टिकल फोर्स है और हमें तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स से काम है ये वर्टिकल है बट क्या पी वर्टिकल है नहीं पी ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है वो किसी एंगल से इंक्लाइंड है मान लो अल्फा एंगल से वो क्या है इंक्लाइंड है इसके लिए आपको क्या करना होगा दूसरा स्टेप रिजॉल्व ऑल द इंक्लाइंड फोर्सेस एस एफ एक्स एंड एफ वाई हमेशा उसको ऑरिजेंटल और हो, वर्टिकल में उसको रिजोल्व कर दो एंड तीसरा जो आपको एफ बी डी बनाते वक्त ध्यान देना है कि जहां पे बॉडी का कॉन्टैक्ट रहेगा अब ये बॉडी का कॉन्टेक्ट कहा है दोस्तों ये जमीन पे है वहां पे वो जो कॉन्टेक्ट वाली लाइन होगी तो आपकी कॉन्टैक्ट वाली लाइन कौन सी है दोस्तों ये मैं व्हाइट कलर से बना देती तो ये है ना कॉन्टैक्ट वाली लाइन तो उसको बॉडी का जिससे कॉन्टैक्ट है एक रिएक्शन देगा क्या देगा दोस्तों एक रिएक्शन देगा और वो रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा क्या होगा परपेंडिकुलर रिएक्शन ऑफ बॉडी ऑन ईच अदर एक दूसरे पे रिएक्शन रहेगा जो कि विच विल बी परपेंडिकुलर टू दाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दो या फिर प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दो एवरी कॉन्टैक्टेंडिका टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट सो दिस रूल जो आपको हमेशा याद रखना है एव बडी बनाते हुआ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पहले डाल देंगे उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल लेके आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे

हिंज का देखा है दोस्तों आपने ऑब्वियसली हमारा दरवाजा है ना हिंज क्या करता है से बॉडी को रोटेट करने में ऐसे ऐसे वो रोटेट करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से एक साइड ऐसा दिखेगा आपको हिंज सपोर्ट का और एंड ये, ये आपका बीम रहेगा आपका बीम इस साइड रह सकता है ऐसे घूम के इस साइड भी आ सकता है एनी anyway, वे वो कहीं भी जा सकता है ओके सो दिस इज योर हिंज सपोर्ट तो हिंज सपोर्ट को दोस्तों कैसे हम लोग एफबीडी बनाएंगे मान लो ये आपका बीम ए बी है तो एफ इसका आ जाएगा आपको सबसे पहले ऐसे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी की ठीक है सपोर्ट किसी एंगल पे नहीं है है तो सिंपल सी बात है, आपका एच ऐसे एक हॉरिजेंटल और ऐसे एक वर्टिकल आएगा तो आपको एच बोलो या वी बोलो एच ए एंड बी एस का आपको दो रिएक्शन दिखाना एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल एंड देन आपको ऐसे बीच में से रिजल्टेंट दिखा देना है रिजल्टेंट आई टे ये आर ए कैसे आएगा दोस्तों जब आप एच ए का स्क्वायर लेके बी ए की स्क्वायर लेके ऐड करके रूट ले लोगे ठीक yeah. है तो यहाँ पे इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जाएगा आपको अगर इसका थीटा निकालना है तो थीटा भी सिंपल है इनवर्स ऑफ वर्टिकल फोर्स फोर्स अपॉन तो ये आपको आ जाएगा आर का वैल्यू ठीक है तो हिन्न सपोर्ट कभी भी आपको अगर डायग्राम में दिया रहेगा तो आपको जब दूसरा स्टेप करना रहता है एफबीडी बनाने का देन आपको कैसे उसको रिजोल्व करना है इस तरह आपको उसको रिजोल्व कर देना है ठीक है तो ये हो गया आपका हिंद सपोर्ट का बात नेक्स्ट जाते हैं हम हमारे रॉलर सपोर्ट में रॉलर सपोर्ट किस तरह दिखता है वो देख लेते हैं लिखते जाओ दोस्तों साथ साथ ये आपका शॉर्ट रिवीजन लेक्चर है ना सो so, रॉलर सपोर्ट ये आपकी बी में मान लो यहाँ पे बीच में कहीं रोलर सपोर्ट आ गया एंड में भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है एंड में भी आ सकता है ठीक है ये यहाँ पे रोलर सपोर्ट आ गया अब रोलर सपोर्ट ऐसे भी दिखाया जा सकता है देन रोलर सपोर्ट को ऐसे सर्कल में भी दिखाया जा सकता है दोस्तों क्योंकि रोलर सपोर्ट है वो कोई दिक्कत नहीं हो जाती यहाँ पर एंड उसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है ऐसे वो हवे में रहेगा एंड ऐसे मैंने नोट्स में दिया हुआ है ये इस तरह दिखाया जा सकता है ठीक है तीन तरीके होते हैं रोलर सपोर्ट को दिखाने के लेकिन इन सब का एफबीडी कैसे बनेगा सिंपल सिर्फ ऐसे आएगा रोलर सपोर्ट बीच में लग रहा है तो बीच में एक रिएक्शन आएगा आर बस इनका एफबीडी इसी तरह देने वाला है दोस्तों इसका भी एफबीडी आर रिएक्शन देगा इसका भी एफबीडी में आर रिएक्शन आएगा उसके भी एफबीडी में आर रिएक्शन आएगा ओके सो दिस इज डन एंड कभी कभी और एक स्पेशल केस आता है अब वो स्पेशल केस क्या आता है दोस्तों ये जो आपका रोलर सपोर्ट है ना वो किसी एंगल पे प्लेस रहता है तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है पिछले लेक्चर्स में क्या थी वो ट्रिक देखो मान लो आपका बीम है और जो आपका रोलर सपोर्ट है वो ऐसे थर्टी डिग्री एंगल पे प्लेस है कितने दोस्तों थर्टी डिग्री अब रिएक्शन कैसे आएगा तो सिंपल सा याद रखना सिंपल तरीका जो बीम है जो बीम है उस पर जो रिएक्शन आएगा ऑब्वियसली परपेंडिकुलर आएगा ये बीम को ये जमीन को ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा ठीक है दोस्तों ऐसे रिएक्शन आएगा ना वैसे परपेंडिकुलर रहेगा बट अपने को परपेंडिकुलर वो बीम के साथ है फिगर में क्या वो सीधा दिख रहा है आपके एफ में वो सीधा दिख रहा है नो no. आपके एफबेडी में वो हमेशा आपको कैसे दिखना चाहिए दोस्तों वो ऐसे दिखना चाहिए या तो ऐसे दिखना चाहिए बट ऐसे भी नहीं दिख रहा है है ना तो आपको क्या करना होगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या अगर ये हॉरिजेंटल या अगर हॉरीजेंटल के साथ थर्टी डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये वर्टिकल के साथ थर्टी डिग्री बनाएगा कितना दोस्तों वर्टिकल के साथ ये थर्टी डिग्री बनाएगा कैसे बनाएगा सिंपल है अगर ये नाइन्टी है तो ये भी नाइन्टी होगा एंड ये सिक्सटी डिग्री हो जाएगा अब इधर से मैं अगर ऐसे लाइन बना दू वर्टिकल तो ये सिक्सटी ये नाइनटी ये नाइन्टी तो ये थर्टी डिग्री हो जाएगा ओके इसके लिए वर्टिकल के साथ थर्टी डिग्री बनाता है लेकिन हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करने नहीं बैठे चीजों को आपको इस तरह याद रहेगा तो इस तरह याद रखो अगर ये हॉरिजेंटल के साथ थर्टी है तो इसका जो रिएक्शन आएगा वो वर्टिकल के साथ थर्टी डिग्री बनाएगा तो आपको इसको रिजोल्व करने में आसानी हो जाएगी किस तरह रिजोल्व होगा ये हो जाएगा आर एंगल किसके साथ बन रहा है वर्टिकल के साथ तो हॉरिजेंटल में आपको थीटा लेना होगा थीटा क्या है आपका थर्टी डिग्री एंड आपका वर्टिकल हो जाएगा कॉस थर्टी ठीक है ये दो चेंजेस आ जाएंगे इसमें तो ये रोलर सपोर्ट में एक मेजर सा चीज है जो आपको क्वेश्चन में ऑब्वियसली पूछा जाएगा कोई डाउट ही नहीं है इसमें बस आपको इस तरह याद रखना है। और चेंजेस रहेंगे तो हम में तो देख ही चुके हैं आप प्लीज वो को भी देखो उसमें मैंने एकदम डिटेल में सारी सारी चीजें ली रखी है कि अलग अलग टाइप अलग अलग तरीके से उसको लगा के मैंने कंसिडर किया हुआ है दोस्तों अब यहां पे चलते हमारे तीसरे सपोर्ट पे तीसरा सपोर्ट क्या है दोस्तों फिक्स सपोर्ट सपोर्ट तो कि अगर हमारा हमारी कोई दीवाल है है ना कोई भी दीवार हो गई या फिर कहीं पर भी गाड़ दिया है उसको तो वहां पे कैसे उसके रिएक्शन आएंगे तो सिंपल है, अभी जैसे ये बीम को मैंने दीवाल में घुसा दिया है ठीक है तो यहां पे दो सपोर्ट रिएक्शन आएंगे क्या होगा एच ए एक होगा वी ए और इसका एक मोमेंट होगा क्योंकि ए ए मैंने गाड़ दिया है तो यहाँ पर इसका एक एच ए आएगा एक वी ए आएगा एंड एक मोमेंट आएगा मोमेंट क्या दिखाता है दोस्तों कि यहाँ पे बॉडी मूव भी होगी मोमेंट भी आएगा सो so यहाँ पे इसका एफबीडी कुछ इस तरह रहेगा फिक्स सपोर्ट का एंड वो दिखता कैसे है सिंपल है ऐसे बीम लगी हुई होगी और यहाँ पे से दीवार होगी इस तरह दिखाया जाता है और भी तरीके हैं बट हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस को अब हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सपोर्ट कौन सा है दोस्तों स्मूथ सरफेस अगर हमारी बॉडी किसी स्मूथ सरफेस पर प्लेस्ड है तो उसका एफबीडी कैसे आएगा है ना सिंपल सा हो जाता है ये कंसेप्ट ठीक है स्मूथ सरफेस पर अगर हमारी बॉडी प्लेस्ड है तो वो किस तरह मान लो यहाँ पे कैसा आ, ये है दीवार ऐसी हमारी ठीक है ये यहाँ पे थर्टी डिग्री बना रहा है और ये यहाँ पे फोर्टी फाइव डिग्री बना रहा है ठीक है और यहाँ पे एक बीम रखी हुई है ये यहाँ पे बीम रखी हुई है तो इसको ये दीवार का सपोर्ट है बस स्मूथ ये बीम को घुसाया नहीं है फिक्स सपोर्ट में कैसे उसको घुसा देते फिक्सिंग कर देते यहाँ पे फिक्सिंग की गई नहीं यहाँ पे सिर्फ ऐसे उठाया मैंने उसको लाके ऐसे रख दिया बस तो यहाँ पे इसका एफबीडी कैसे बनेगा तो सबसे पहली बात ऐसे ऐसे दो सरफेस आ जाएंगे ये बीम है सबसे पहले बीम का वेट आएगा दोस्तों हमेशा याद रखना बीम हो ब्लॉक हो सिलेंडर हो सबका वेट होता है क्वेश्चन में अगर दिया है यू कैन नेग्लेक्ट द वेट तो आपको वेट लिखने की जरूरत नहीं है बट अगर नहीं दिया तो आपको वेट लिखना ही है तो यहाँ पे ये यह वेट आ जाएगा तो दोस्तों उसका वेट दिखा दो बहुत जरूरी जो कंसेप्ट होता है यहाँ पे इसका वेट आ जाएगा ठीक है ये इसका वेट यहाँ पे हमें इंक्लूड करना होगा एक मिनट इसको प्रॉपरली लिख देते हैं नाउ अभी ये स्मूथ सरफेस पे तो ऑब्वियसली कोई भी सरफेस रिएक्शन देगा तो ये रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस को इसको दूसरे कलर से बना देते हैं वाइट ये रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर सरफेस को है ना ये परपेंडिकुलर है सरफेस को बट क्या ये हमारे लिए वर्टिकल है हमारे लिए क्या ये वर्टिकल है नहीं तो हमें इसको रिजॉल्व करना होगा तो हमें इसको हमें पता अगर ये हॉरिजेंटल के साथ थर्टी डिग्री बनाए तो रिएक्शन वर्टिकल के साथ भी थर्टी डिग्री बनाएगा अगर हॉरिजेंटल फोर्टी फाइव डिग्री बनाएगा तो ये ये हो जाएगा आर कॉस थर्टी इसका हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा आर साइन थर्टी ये हो जाएगा यहाँ पे आर वन बोल दो क्योंकि दो दो रिएक्शन आ रहे हैं ना आर टू ले लो फिर हो जाएगा आर टू Cos 45, R2, sin 45. ठीक है तो ये दोनों कंसेप्ट आ जाएंगे इसके आई होप आपको क्लियर हो वर्टिकल जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस रहता है जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो आपका क्या रहता है साइन कंपोनेंट रहता है स्मूथ सरफेस का ये कंसेप्ट इतना ही है दोस्तों स्मूथ सरफेस जब भी आता है आपको रिएक्शन दिखाना रहता है आर वन आर टू और इस, उसी हिसाब से आप आर ए आर बी भी ले सकते हो पॉइंट अगर क्वेश्चन में दिया तो आप पॉइंट के हिसाब से लो आर ए आरबी नहीं दिया तो आप आर वन आर टू ले सकते हो ठीक है नाउ लेट्स प्रोसीड टू थर्ड टाइप दैट इज रोप स्ट्रिंग केबल सपोर्ट अभी जो आपका थर्ड टाइप है दैट इज रोप स्ट्रिंग एंड केबल सपोर्ट इट इज फिफ्थ टाइप रोप स्ट्रिंग या फिर केबल सपोर्ट अभी जैसे यहाँ पे एक पुली है यहाँ से किसी ने किसान प्रेशर डाल के रखा है है ना यहाँ पे एक सामान लटका दिया है यहाँ पे एक सामान लटका दिया है और यहाँ पे ऊपर से एक स्ट्रिंग अटैच है है ना? ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्या करना रहता है सिंपल है दोस्तों आप इसका एफबीडी ये स्ट्रिंग का ना टेंशन रहेगा और वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पुली जहां से अटैचमेंट हो रखी है जहां से सपोर्ट मिल रखा है उधर से उसकी तरफ टेंशन तो ये टेंशन टूवर्ड्स पुली नंबर वन ये ब्लॉक का भी टेंशन टेंशन टुवर्ड पुलिस को टू दे देते हैं और ये टेंशन टूवर्ड्स सपोर्ट है ना ये ऊपर सपोर्ट है तो इस तरह आ गया अभी यहाँ पे वो आपका फेमस जो क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको ऐसे दो स्ट्रिंग रहते हैं और एक ऐसे लैम्प लटका हुआ रहता है है ना तो इसका कैसे आएगा इसका वेट आ जाएगा नीचे इस साइड इसका टेंशन नंबर वन इस साइड इसका टेंशन नंबर टू है ना इसका एफबीडी इस तरह आ जाएगा तो आपका रोप स्ट्रिंग केबल का सपोर्ट का एफबीडी इस तरह जाता है वहां पे आपको क्या मेंशन करके रखना रहता है टेंशन एंड इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है हम वो भी देखेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सपोर्ट एंड रिएक्शन के लिए जो आपके क्वेश्चन में मैंशन रहेगा ठीक है नाउ लेट्स प्रोसीड टुअर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ लोड ठीक है तो टाइप्स ऑफ लोड की तरफ जाते हैं तो कितने तरह के लोड होते हैं दोस्तों बहुत सिंपल सबसे पहले आ जाता है हमारा पॉइंट लोड यानी कि कोई भी बॉडी पर एक ऐसे डायरेक्टली ऐसे पॉइंट बना के ऐसे लोड दिया हुआ है ठीक है जैसे ये सेवेंटी फाइव हो गया ये एट्टी ले लो ये थ्री ले लो तो ये एक पॉइंट पैक्ट करे ये सारे अलग अलग पॉइंट्स पैक्ट करे इसके लिए

जाएगा थ्री साइन अल्फा ठीक है तो इस तरह आपको हमेशा इंक्लाइन फोर्सेस को पॉइंट लोड में हमेशा याद रखना वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फोर्सेस में उसको डिप रिजॉल्व कर दो ठीक है वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजेंटल फोर्सेस में उसको क्या कर दो आप रिजोल्व कर दो एंड दिस इज डन आपका पॉइंट लोड इस तरह सॉल्व हो जाएगा नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड नेक्स्ट टाइप है कपल लोड कपल लोड क्या होता है जहां पर फोर्सेस आपको पॉइंट में दिया जाता है यहाँ पे forces आपको रोटेशनल मोशन की तरफ करते हुए दिखेंगे यानी कि आपको बीम जो रहेगा ना बीम उस पर डायरेक्टली ऐसा आपको दिया रहेगा एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज ऐसे ना फोर्सेस रहेंगे कपल रहेंगे जैसे रोटेटरी इफेक्ट दे रहे तो ये होगा सिक्स किलो न्यूटन यूनिट क्या होता है दोस्तों हमेशा कपल का याद रखिएगा दैट इज किलो न्यूटन मीटर या फिर ये होगा फोर न्यूटन मीटर दो यूनिट रहता है किलो न्यूटन न्यूटन मीटर नुटन मीटर तो आप समझ जाना आपको क्या लेना है इधर कपल कपल ये लोड से यहाँ पे क्या किया गया फोर्सेस को कपल के तौर पे अप्लाई किया गया है ओके सो दिस कम्स अंडर द कपल लोड तो ये आपका हो गया दूसरा टाइप ऑफ लोड अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ लोड जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में तो थर्ड टाइप ऑफ लोड क्या है दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बहुत ध्यान से सुनना मान लो ये एक लंबी सी बीम है आपके पास यहां पे मैंने इतना डिस्टेंस कंसिडर किया इसको मैं एल डिस्टेंस समझ लेती हूं क्या दोस्तों एल डिस्टेंस कंसिडर किया मैंने ये एबी नाम की बीम है और डिस्टेंस मैंने एम एन लिया है ठीक है एम एन डिस्टेंस लिया है मैंने और यहां पे कौन सा लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिखेगा किस तरह देख लो दोस्तों ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को या फिर एक ऐसे एरोज जो एक रेक्टेंगल में बंद हो एक रेक्टेंगल में बंद हो एरोज ऐसे भी दिखा सकते है। ठीक है तो आप कैसे भी दिखा सकते हो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस पे जो वजन है वो है W किलो न्यूटन का वजन हर एक मीटर पे हर एक मीटर पे W किलो न्यूटन का वजन है ठीक है न्यू किलो न्यूटन ले लो या न्यूटन ले लो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे W किलो न्यूटन का अगर वजन है तो इसका एफबीडी कैसे आएगा इसका एफ आएगा दोस्तों कुछ इस तरह वही बीम रहेगा जो कि ए बी का है सेम बीम रहेगा है ना एम एन डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा बस यहां पे जब आप इसका एफ बनाओगे ना दोस्तों तो एफ बनाने के लिए एक स्पेशल डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है दैट इज वो एल नहीं रहेगा आपको वो डिस्टेंस लेना है एल बाय टू पे दोनों साइड से एल बाई टू होना चाहिए दोस्तों ठीक है एंड ये एल बाई टू मतलब ये बीच में ये जो लेंथ है ना ये लेंथ के हाफ में ये लेंथ के हाफ में आपका आएगा डब्लू इंटू एल बाई टू ठीक है इसका एफबीडी कैसे आएगा आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड बाय आपको टू करना पड़ेगा तो अब आपको उसके एफबीडी में आपका उसका एग्जैक्ट पॉइंट लोड ये यूडीएल है ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है उसका ये पूरा यूनिफॉर्म ये वाला वजन पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था आपने उसको क्या कैसे बदला है तो ऑलरेडी बना के रखा जाके उसके बाद चेकआउट कर लेना दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे आपने W इंटू एल तो लिख दिया है देन उसको टू से डिवाइड करना मत भूलना ये इसका यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन ठीक है परफेक्ट तो एक किलो न्यूटन यूनिट हो जाएगा ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की कहानी अब जाते हैं यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड की तरफ किसके तरफ दोस्तों यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड आई एम श्योर आपके मन में डाउट आ रहा होगा दीदी आपने तो पहले लेक्चर में बताया नहीं था कि टू से भी डिवाइड करना है तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको टू से डिवाइड करने की जरूरत है आपको डिवाइड किधर करना होगा आपके दूसरे टॉपिक पे दैट इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड पे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड पे आपको टू से डिवाइड करना है यहाँ पे आपको टू से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सिर्फ किसको टू से डिवाइड करना है दोस्तों एल बाई टू एल बाई टू ठीक है तो ऐसे जब आप लर्निंग करते हो ना एक चीज गलत करके सही करना फिर दूसरी चीज गलत करके सही करना वो आपके दिमाग में एकदम क्लिक बैठ जाता है क्यों क्योंकि दोनों टॉपिक सिमिलर ही साउंड करते हैं वायरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बस फर्क कहाँ जाता है इनके फॉर्मूले में तो जो आपको इक्वेलेंट पॉइंट लोड मिलेगा दैट विल डायरेक्टली इक्वल टू डब्ल्यू इन टू एल एंड जो आपको डिस्टेंस रहेगा वो एल पर रहेगा ठीक है तो चलो नेक्स्ट पे जाए अब हमारा फिक्स ये चीज क्लियर हो चुका है एकदम अच्छे से लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का डाइग्राम किस तरह रहता है दोस्तों पहले वो जान लेते हैं। अगर ये मेरा ये मेरा बीम ए बी है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कुछ इस तरह दिखेगा ये ऐसे ट्राइंगल शेप में रहेगा और ये एरोज रहेगा ठीक है एंड ये ट्रा वैरिंग ट्राइंगल शेप में रहेगा क्योंकि वैरिंग लोड है ना एंड ये डब्लू रहेगा तो इसका यूवीएल कैसे आएगा इसका आपको एफ FB, बी ये यूवीएल का एफ आपको कैसे आएगा सिंपल है बीम कंसिडर कर लो फिर से बी ये एम एन नाम देते कि चलो एम एन तक ये पूरा लोड वैरी कर रहा है एम एन एक चीज याद रखना जो आपको पॉइंट लोड बनाना है एफबीडी मतलब क्या दोस्तों आपको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड दिखाना है राइट पॉइंट लोड दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा ये लेंथ को दो पार्ट में अलग अलग करना है ठीक है ये लेंथ दो पार्ट में आ जाएगा तो इसका फर्स्ट पार्ट कितना रहेगा दोस्तों पता है पीछे से इसको फर्स्ट पार्ट का जो लंबाई रहेगा वो पीछे से रहेगा एल को थ्री से डिवाइड किया हुआ और इधर रहेगा ये टू एल बाई थ्री ठीक है ना वो वाले पॉइंट पे आएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू डब्लू इन टू एल यहाँ पे आपका आएगा डिवाइड बाय टू ठीक है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिवाइड बाय टू तो यहाँ पे हमने क्या किया सबसे पहले दोस्तों ये जो लेंथ थी यहाँ पे उसको हमने डिवाइड कर दिया है हाँ उसको हमने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में दैट इज एल बाई थ्री एंड टू एल बाई थ्री एंड देन हमने क्या किया ये वेट को मल्टीप्लाई बाय एल एंड डिवाइड बाय टू इस तरह करके इसका एफबीडी बना दिया आई होप आपको ये याद हो गया होगा चलो एक बार क्रॉस रिविजन कर ले यूडीएल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसको हम प्यार से यूडीएल बुलाते हैं UDL में इस तरह बेडी दोनों पॉइंट के बीच में हमारा एकदम सेंटर ना हाफ हो रहा है ना यहाँ पे तो एकदम सेंटर पे आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एल बाई टू एंड यूल में सेंटर नहीं सेंटर पे नहीं आएगा जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल जहां एकदम ऊंचा हो जाता है वहां से एल बाई थ्री के दूरी पे हमारा डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू इंटू एल्व बाई टू आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो डब्ल्यू इंटू एल्व बाई टू तो ये कंसिडर हो गया हमारा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड अब जाते हैं हमारे ट्रपेज लोड पर ट्रपेज लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों अब दोस्तों ट्रपेज लोड होता क्या है हम लोग ने इसको ना बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर किया है यहाँ पे एक शॉर्ट से जिस तरह हम यहाँ पे एफबी डी बनाए जा रहे एफ बी डी बना के एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर देंगे ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए अगर एकदम डिटेल में जानना है क्या है कैसे तो प्लीज वीडियो देख लो प्रीवियस है ना शौ, वन शॉट में कैसे सारा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट इम्पोर्टेंट तो कवर हो ही जाता है तो so, ये रहा आपका ट्रपेजॉइड शेप का लोड ठीक है अब ये ना ही ट्रायंगल है ना ही रेक्टेंगल शेप है यहाँ पे दो शेप आ रहे हैं कौन से दो शेप आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे ऊपर बन जाता है हमारा वैरिंग लोड वैरिंग लोड हमारे ट्रायंगल शेप का था और नीचे बन जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो हमारा ट्रपेजॉइडल लोड ट्रपेजॉइडल क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्लस एल तो इसको क्या करना रहता है था? देखो दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बीम का नाम दिया रहेगा किस पॉइंट पे लग रहा है वो मेंशन किया रहेगा कि एम से लेकर एन पॉइंट पे लग रहा है एल डिस्टेंस पे लग रहा है वो भी मेंशन किया रहेगा है ना यहाँ पे ये कौन सा गिवन वेट डब्ल्यू वन है, है यहाँ पे ये w2 टू है वो भी मेंशन रहेगा तो आपको उसका क्या बनाना दोस्तों एफ बी डी एफ बी डी कैसे आएगा देखो बहुत सिंपल है बस जैसा आपको कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया जा रहा है ध्यान देना ये ए है ये बी है ये आपका एम पॉइंट है ये आपका एन पॉइंट है है ना और ये लेंथ है तो इसके लेंथ के हाफ पे लेंथ का जब आप हाफ करोगे वहां पर आ जाएगा आपका जो ये नीचे वाला लोड है ना W इंटू एल ठीक है ये लेंथ के हाफ पे आ जाएगा आपका W इंटू एल ठीक है एंड ये लेंथ के पीछे से ये पीछे से जब आप L बाई टू निकालोगे L बाई थ्री नॉट L बाई टू तो वहां पे आपका आ जाएगा डब्ल्यू ये डब्ल्यू वन हो जाएगा डब्ल्यू वन इंटू एल यहाँ पे आपका आ जाएगा डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन मल्टीप्लाइडेड बाय क्या बोला मैंने दोस्तों और ये इतनी दूरी पे आएगा तो आप हमेशा याद रखना ट्रपेज कभी भी आपको दिया रहेगा आपको दो लोड दिया रहेगा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड ये डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू का एफ बी डी कैसे आ जाएगा लेंथ के हाफ पे पीछे से हाफ लो या यहां से हाफ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेंथ के हाफ पे आ जाएगा आपका डब्ल्यू वन इंटू टू और पीछे से ये जो ऊंचा वाला एरिया है जहां पे हाईएस्ट लोड दिया हुआ है से से जब आप डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट लोड इज डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इंटू एल डिवाइडेड बाई टू सो दिस का डेफिनेशन दोस्तों बस आपको ये ब्रॉडली पूछा जा सकता है एंड बहुत ईजी कंसेप्ट है बस आपको ये याद रखना है कि हाफ और थ्री एक बार टू से डिवाइड करना है लेंथ को तो डब्ल्यू वन इंटेल्व थ्री से डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटूएल्व बाई टू याद रख लो दोस्तों एकदम अच्छे से ओके सो so, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ अब प्रोसीड करते हैं हम लैमिस थ्योरम की तरफ किसके धर्म किसकी तरफ प्रोसीड करे दोस्तों हम लैमिस थ्योरम आई होप आपको याद रहेगा थोड़ा थोड़ा लैमिस थ्योरम क्या होता है सिंपल है बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसे टेंशन वाली बात नहीं होती है देखो थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट से सिर्फ तीन फोर्सेस निकल रहे हों एक पॉइंट से तीन फोर्सेस निकल रहे हो एंड वो पॉइंट के बीच के एंगल्स आपको पता है वो पॉइंट के बीच के एंगल्स आपको पता है मान लो ये फोर्स निकल रहा है एफ वन ये एफ टू ये एफ थ्री एंड आपको ये सब पता ही हो गया आपका अल्फा बीटा एंड गामा तो आपका एक इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन किसकी तरह रहता है बहुत सिंपल एफ वन अपॉन एफ वन के ये जो एफ वन है उसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है दोस्तों दैट इज बीटा कौन सा एंगल बन रहा है आपका बीटा एंगल बन रहा है तो इसके लिए एफ वन अपॉन साइन बीटा ये इक्वल हो जाएगा एफ टू अपॉन एफ टू के सामने कौन सा एंगल बन रहा है गामा तो एफ टू अपॉन साइन गामा ये इक्वल हो जाएगा एफ वन के आगे कौन सा एंगल बन रहा है बीटा एफ वन के आगे का तो हो गया तो बचा एफ थ्री एफ थ्री के आगे कौन सा बन रहा है अल्फा तो साइन अल्फा ओके दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि लाइमिस लैमिस्थेरम किस तरह होता है तो ये होल कॉन्सेप्ट है कि आपके ये इक्वेशन बन जाएगा एंड इसमें अगर आपको मान लो एफ टू नहीं दिया है तो एफ टू निकाल सकते हो दो भी इक्वेशन कंसर करके एक एंगल नहीं दिए वो एंगल निकाल सकते हो बहुत सारे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन इसके ऊपर इसके हमने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटीज में पूछे गए वो सॉल्व किए दोस्तों तो अगर आपको वो चेकआउट करना है तो उसमें जाके एक बार चेकआउट कर लो कि इसमें तो हम न्यू क्वेश्चन लेंगे राइट मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे तो ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन दोस्तों जहाँ पे आपने पूरा कंसेप्ट जान लिया कि कौन कैसे वर्क करता है किस तरह हमें हर एक चीज का कैलकुलेशन निकालना रहता है ताकि आपको हर एक चीज का क्लियर आइडिया रहे कि इसको किस तरह सॉल्व करना है ठीक है अब प्रोसीड करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग जो सिर्फ लोड और रिएक्शन के ऊपर है तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें जो रहेगा ना वो दोस्तों इसके ऊपर रहेगा ये इसके ऊपर फर्स्ट न्यूमेरिकल आएगा कि सपोर्ट ऑफ रिएक्शन और लोड्स एंड न्यूमेरिकल आपका बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है इसमें एक्स्ट्रा ठीक है तो चलो प्रोसीड करते फटाफट तो दोस्तों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के सामने ये रहा एल शेप बीम इज लोकेटेड एज शो फाइंड द सपोर्ट दिएक्शन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको अप्रोच करने का तरीका देख लो सबसे सिंपल है सबसे ईजी है आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी क्योंकि आपको पता है हम सब स्टेप वाइज करते राइट right? तो सबसे पहला सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा दोस्तों सॉल्यूशन में आ जाएगा इट इज शेप्ड बीम है ना ये क्या है L -shaped beam है और जैसे जैसे आप ये नोटिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको इसका एफ बी डी भी बनाते जाना है दोस्तों क्या बनाते जाना है एफ तो एल शेप बना दो ऐसे ठीक है देन इट हैज रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट कहा है दोस्तों रोलर सपोर्ट एट डी डी पर रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट किसी एंगल पर है है ना तो रिएक्शन भी कैसे आएगा दोस्तों किसी एंगल पर आएगा और एंगल कितना रहेगा थर्टी डिग्री एंड ये रिएक्शन एट पॉइंट डी ठीक है आई होप आपको समझ गया हो ये थर्टी डिग्री से इंक्लाइंड है इसके लिए यहाँ पे हमारा रिएक्शन भी कैसे आया दोस्तों इंक्लाइंड आया हुआ है नाउ नेक्स्ट ये सी पर क्या है हिंज सपोर्ट हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट के ऊपर दो रिएक्शन होते वो हो दिखा दो एक, हो, एक ऐसे मान लो और एक ऐसे मान लो है ना और कुछ है दोस्तों और एक कपल है कपल ऑफ सिक्सटी न्यूटन मीटर किधर है कहीं यहां बीच में सिक्सटी न्यूटन मीटर बाहर लिख देती हूँ ठीक है अब यहां पे ये पर न्यूटन है ये फिफ्टी न्यूटन इंक्लाइंट है तो इसके इंक्लिनेशन को प्रॉपरली हमें रिजोल्व करना होगा तो इसका वर्टिकल इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों सीसियर डिग्री के साथ बन रहा है तो फिफ्टी कॉस सिक्सटी हॉरिजेंटल इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा फिफ्टी साइन सिक्सटी हो गया इतना नाउ नेक्स्ट एक यूडीएल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कहां से कहां तक यूडीएल फ्रॉम बी टू डी अब हमें पता है यूडीएल कैसा है दोस्तों ऐसे है ना पूरे इस पे और ये डब्लू नाम का यहां पे डब्लू क्या है दोस्तों ट्वेंटी फाइव और ये कितने लेंथ पे है ये पूरा टू थ्री फाइव फाइव के लेंथ पे तो इसका एफबीडी कैसे आ जाएगा यूडीएल का फाइव के हाफ यानी कि टू पॉइंट फाइव की दूरी पे एक फोर्स आएगा जो कि रहेगा ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव दैट इज वन ट्वेंटी फाइव का तो यानी कि यहां से आपको टू पॉइंट फाइव डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड आएगा जो कि वन ट्वेंटी फाइव न्यूटन मीटर का न्यूटन का रहेगा ओके दोस्तों ये क्लियर हो गया आपको देन हमारा सेवेंटी फाइव कितना है सेवेंटी फाइव न्यूटन ठीक है सेवेंटी फाइव न्यूटन का एक और पॉइंट लोड है और कुछ मिस आउट हो गया है क्या चेक कर लो Since हम जैसे जैसे आगे प्रोसेड करेंगे वैसे वैसे पता चलते जाएगा सारे फोर्सेस हमने मेंशन कर दिए हैं अब क्या बाकी है दोस्तों हमें डिस्टेंस मेजर करना तो ये कितनी दूरी पर है फोर मीटर की दूरी पर है है ना ये yes. ये वाला रिएक्शन कितनी मीटर की दूरी पर है टू मीटर की दूरी पर है ये सेवेंटी फाइव वन पॉइंट फाइव की दूरी पर है वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव की ये डिस्टेंस पे है राइट तो ये हमने सारा हमारा मेंशन कर दिया है एवरी फोर्सेस एवरी रिएक्शन एवरी डिस्टेंस इज मेंशन इन द एफबी तो हमारा एफबीडी कंप्लीट हो चुका है right? राइट अब एफबीडी कंप्लीट कर दिया हमने इसके बारे में भी लिख दिया नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों आपका अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सॉरी अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन ओसे ऑफ ई सेक्विलिब्रियम क्या है फर्स्ट कंडीशन दोस्तों समेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सारे हॉरिजेंटल फोर्सेज का समेन जीरो होता है और क्या होता है समेन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो और क्या होता है समेत ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहां पे सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे मोमेंट लेना क्यों मोमेंट लेना क्योंकि देखो मोमेंट एक चीज याद रखो यहां पे कितने अनोन है तीन आर डी एच सी हॉरिजेंटल वाला आपका ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल ये दोनों ये तीनों चीजें अनोन है तो अगर मैं मोमेंट सी पॉइंट पे ले लू क्या बोला मैंने अगर मैं मोमेंट सी पॉइंट पे ले लू तो मेरे पास सिर्फ एक अनोन बचेगा मेरे पास सिर्फ एक अनोन बचेगा एंड वो एक अनोन में इजिली निकाल सकती हूँ राइट अगर मैंने मोमेंट सी के क्रॉस लिया तो एक ही अनोन बचेगा दैट इज आर डी ये हो जाएगा वर्टिकल वाला उसका आर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों आर डी तो मेरे पास एक ही अनोन रहेगा आर डी एंड उसको मैं इजिली कैलकुलेट कर लूंगी तो सबसे पहला स्टेप मैं ले लूंगी समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी सी पॉइंट पे क्यों लिया आई होप आपको समझ गया होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे दो अनोन है और मुझे ये दोनों अनोन नहीं चाहिए इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने ले लिया मोमेंट जिसको मैं कैंसिल आउट इजीली कर सकती हूँ राइट तो यहाँ पे मैंने अगर मोमेंट ले लिया एट पॉइंट सी इक्वल टू जीरो तो ये किस तरह प्रोसीड करेगा दोस्तों तो ये इस तरह प्रोसीड करेगा सबसे पहले सी पॉइंट से चेक करो कि कौन कौन से फोर्सेस आपके पास है तो सी पॉइंट्स अगर मैं चेक करती हूँ तो सबसे पहला फोर्स जो मुझे दिख रहा है सेवेंटी फाइव फोर्स है एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.5 राइट right? इसके लिए मेरा जो फर्स्ट थिंग आ जाएगा वो क्या रहेगा दोस्तों हमारा 75 लेकिन जब मैं मोमेंट निकालती हूँ तो मुझे डायरेक्शन देना जरूरी है तो मैं बोल दूंगी जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव जाएगा आई होप आपको डायरेक्शन याद हो सिंपल है अगर ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं तो सर्कल बना के देखो सर्कल जैसे आप बनाओगे तो देखोगे कि ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे है। इसके लिए हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसिडर करेंगे ठीक है देन नेक्स्ट थिंग क्या है दोस्तों नेक्स्ट फोर्स कौन सा लेना पसंद करोगे आप सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा फोर्स कौन सा है ये आरडी कॉस थर्टी सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैटर करता है दोस्तों तो कितना है पे RD 30. और ये ये कौन सा ये बनाएगा अगर मैं यहां से सर्कल बनाऊंगी ऐसे मैंने अगर सर्कल लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है है ना ये कहा जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज तो एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो पॉजिटिव आरडी कॉस थर्टी और कितने दूरी पर है ये यहां से कितना डिस्टेंस है ये पॉइंट फाइव प्लस दट इज थ्री है ना तो ये हो गया आपका आरडी लेट्स प्रोसीड टू अनदर थिंग व्हाट इज अवर डिफरेंट कंसिडरेशन अभी कौन सा वैल्यू हमारे पास बच गया है अभी हमारा ये सी पॉइंट के राइट हैंड साइड का पार्ट हो चुका है अब हम आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड की फोर्सेस की तरफ जो सी पॉइंट है लेकिन यहाँ पे और एक फोर्स है दोस्तों ये 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 देखो आपका ये वाला force, ये वाला फोर्स फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है राइट तो उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करना नहीं भूल सकते तो ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वन मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस होगा ये ये पूरा 2.5 है उसमें से ये इतना 2 है तो ये कितना बचा ये पूरा 2 है 2.5 है उसमें से ये इतना 2 है तो ये कितना बचा जीरो

और ये बॉडी को किस तरह रोटेट करेगा अगर ये ऐसे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ तो ये बॉडी को इस तरह रोटेट करेगा यानी कि बॉडी को किस तरह लेके आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसके लिए आपको ये क्या लिखना होगा नेगेटिव ठीक है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव 50 कॉज 60 इन वॉट इज द डिस्टेंस कितना था टू सिमिलरली हम लोग प्रोसीड करते हमारे दूसरे फोर्स की तरफ यहां पे देखो फिफ्टी कॉ सिक्सटी है ना अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये पूरा ऐसे लाइन में सीधी लाइन में जा रहा है राइट वो फिफ्टी कॉ सिक्सटी फोर जो था वैसे पूरे लाइन में लग रहा है और ये स्ट्रेट लाइन से हमारा ये फिफ्टी कॉस सिक्सटी का जो स्ट्रेट लाइन है उससे हमारा कितना डिस्टेंस का दूरी है कितना डिस्टेंस का दूरी है दोस्तों फोर मीटर का दूरी है ना हमारा फोर मीटर का दूरी है इसके लिए हम यहाँ पे उसको मेंशन करना नहीं भूल सकते तो इसको हम लिख लेते हैं और ये बॉडी को किस तरह घुमा रहा है ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव फिफ्टी साइन सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय फोर ठीक है तो नेगेटिव फिफ्टी साइन सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय फोर हो जाएगा नाउ इसके आगे, आगे आप प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट चीज कौन सी है दोस्तों आपके पास एक कपल ऑलरेडी दिया हुआ है वो कपल कौन सा है सिक्सटी न्यूटन मीटर का कपल है और ये किस डायरेक्शन में घुमा है एंटी क्लॉक तो ये प्लस जाएगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस न्यूटन ठीक है तो यहाँ पे मैंने सारे मोमेंट मेंशन कर दिए हैं राइट एंड दिस ऑल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो है ना ये सारे के सारे मोमेंट किसको इक्वल है जीरो को इक्वल अब आपको क्या करना है बहुत सिंपल है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है जैसे ही आपका इक्वेशन बन जाता है ना ऐसा सेम टू सेम उठा के आप में पुट कर दो मैं करके दिखाती ये वाला फटाफट अपनी कैलसी उठा लो दोस्तों लेट्स प्रोसीड विद द कैलकुलेशन है ना ओके सो सबसे पहले है माइनस जैसा दिया है वैसा सेवन पॉइंट फाइव इंटू नॉट सेवन फाइव पॉइंट फाइव सेवन इंटू वन पॉइंट फाइव राइट चेक कर लेक कर दे रहे वना पॉइंट इधर उधर होता है तो अपना आंसर भी हावा प्लस आर डी अब आपको आरडी तो पता है नहीं तो उसको आप कैल्सी में एक्स कंसिडर करोगे ओके okay? आरडी पता नहीं है इसलिए हम उसको एक्स कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स एक्स को एक्टिवेट करने के लिए पिंकी अल्फा को एक्टिवेट कर दो एक्स कॉस एक्स कॉस थर्टी है ना इनटू व्हाट इज द डिस्टेंस थ्री फिर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस सिक्सटी माइनस वन ट्वेंटी फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव देन क्या हो जाएगा माइनस फिफ्टी कॉस सिक्सटी इंटू टू फिर माइनस फिफ्टी साइन फॉर सिक्सटी ये एंडिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना नहीं भूलो दोस्तों वरना आंसर में गड़बड़ आ जाती है अब ये सारा मैंने जैसे का तैसे डाल दिया इक्वल टू डालने के लिए अल्फा वाला इक्वल टू जैसे का उठाया वैसे क्या इक्वल टू जब आप शिफ्ट सोल्व इक्वल टू करोगे दोस्तों तो आपको आंसर आ जाएगा x का दैट इज x 130.17 यानी कि x का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे d तो r d क्या है 130.17 न्यूटन ठीक है ये हो गई आपकी आरडी की वैल्यू मतलब ये जो आरडी फोर्स लगा रहा है ये जो रिएक्शन हमें दे रहा है रोलर कितना फोर्स दे रहा है न्यूटन तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में यानी कि हमने ये वाला पार्ट कंसिडर किया अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये वाले पार्ट का फायदा कि अगर बहुत सारा अनोन है तो हम लोग इसको यूज करके वो पॉइंट का अनोन कैंसिल आउट कर सकते जैसे सी पे अनोन था तो कैंसिल आउट किया ऐसा कंपल्शन नहीं है आप डी पे भी कर सकते हो सेम सेम आंसर आंसर आएगा आपका डी कैलकुलेट करना है ना तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा इसके लिए हम लोग पॉइंट वो कंसिडर करते हैं जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ अनोन हो ओके okay? सो so, ये इरेज कर देती हूँ नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड थर्ड स्टेप दैट इज समेशन ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड जो भी आ, इस साइड होंगे उनको मैं पॉजिटिव लूंगी जो भी एक्सेस के इस डायरेक्शन में जाएंगे उनको मैं पॉजिटिव जैसे कि यहाँ पे फिफ्टी साइन सिक्सटी है वो उस डायरेक्शन में है इसके लिए प्लस फिफ्टी साइन सिक्सटी फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एच सी की एच सी भी उस डायरेक्शन में है तो इसके लिए प्लस एच सी सी छोटाएगा सबस्क्रिप्ट में आएगा दोस्तों नॉट इन सुपर स्क्रिप्ट देन नेक्स्ट किसके तरफ प्रोसीड करना है दोस्तों हमें r d sin 30 r d sin 30 हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है बट क्या वो पॉजिटिव x की तरफ है नो no, वो नेगेटिव r d sin 30 है राइट right? बट आपको r d की वैल्यू पता चल गई है क्या है r d की वैल्यू हमने यहां से निकाला था ना r d 130 तो बस वहीं पुट कर दो उसको ये हो जाएगा वन थर्टी पॉइंट वन सेवन साइन थर्टी ओके और कोई हॉरिजेंटल फोर्स हमसे मिस आउट हो गया है क्या दोस्तों एक बार चेक कर लो नहीं मिस आउट हुआ है तो इक्वल टू जीरो ये तो हमने यहाँ लिख दिया और ये इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे एच सी इक्वल टू ये यहाँ नेगेटिव है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पॉजिटिव है वहां जाएगा तो नेगेटिव कितना आ जाएगा वन थर्टी पॉइंट वन सेवन इंटू साइन थर्टी माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस फिफ्टी इंटू साइन सिक्सटी ब्रैकेट क्लोज ये हो जाएगा ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन एट सिंस आंसर किसमें दोस्तों आंसर पॉजिटिव है, है ना तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है एच सी इस तरफ एक्ट करा वो करेक्ट अज्यूम किया है करेक्ट हमारा HC, force, यहीं लग रहा है। okay? Now, ये फिफ्टी कॉस सिक्सटी वाला है, है ना तो फिफ्टी कॉस ऊपर की तरफ उसको हम पॉजिटिव लेंगे मेंशन कर दो दोस्तों आप कौन साइन कन्वेंशन किसको दे रहे हो फिर ये बीसी भी ऊपर की तरफ है प्लस बी सी और कौन से फोर्स ऊपर की तरफ आरडी कॉस थर्टी लेकिन आपका आरडी कितना है वन थर्टी तो भी लिख दो 30 आएगा दोस्तों और कौन से फोर्सेस है वर्टिकल फोर्सेस आपके स्क्रीन के सामने ये 125 और 75 बट ये तो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव 125 नेगेटिव 75 क्यों नेगेटिव क्योंकि जो ऊपर है उनको पॉजिटिव लिखना है जो नीचे की तरफ है उनको नेगेटिव लिखना है ये हमने मान के रखा है राइट तो ये आपने सारे वैल्यूज इसके अंदर मेंशन कर दिए अब आप वीसी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली <coughs> या तो आप मैनुअली शिफ्टिंग करो या तो जैसे का तैसे आप में डालो जब आप में उठा के सेम टू सेम डाल दोगे तो आपको वीसी का वैल्यू आ जाएगा दैट कम्स अराउंड टू बी सिक्सटी और ये ऊपर की तरफ है मतलब हमारा एजम्शन करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव है ना पॉजिटिव आया मतलब ये ऊपर की तरफ ही एक्ट कर अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या रहता है दोस्तों कि जो हमारा वीसी है वो ऐसे एक्ट करता बट हमारा आंसर पॉजिटिव आइज इसका मतलब वो ऊपर की तरफ ही एक्ट कर रहा है तो ये था पूरा न्यूमेरिकल जो एक बीम के ऊपर बेस्ड है आई होप आपने लिख लिया हो ये इसके फर्स्ट ये पहला स्टेप पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सारे न्यूमेरिकल का अप्रोच ऐसे ही रहना चाहिए बस कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है आपको यहाँ पे ना ट्रपेज लोड दिया जाएगा दोस्तों तो ट्रपेज लोड को कैसे सॉल्व करना है वो तो आपको पता ही है ऑब्वियसली तो उस तरह आप सॉल्व करके आ, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है तो चलो और एक समय ले ले, इसके ऊपर ही चले शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब यहाँ पे तो ना ही कोई सपोर्ट दिख रहा है डायग्राम में ना ही कोई हिंज दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं फोर्सेज एक्ट ऑन द्लेट ए बी सी डी एक प्लेन प्लेट है उस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं एज शोनिंग द फिगर द डिस्टेंस ए बी इज फोर मीटर जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना है फोर मीटर दिया हुआ है गिवेन दैट प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम बस दोस्तों यही वर्ड काफी आपको सॉल्व करने के लिए राइट प्लेट इज इन इक्वलिब्रियम फाइंड एफ अल्फा एंड एडी आपको क्या, क्या क्या निकालना है एफ अल्फा एंड एडी तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा दोस्तों एफबीडी बनाना होगा चलो एफबीडी बना दे फटाफट तो ये आपका प्लेट एबीसीडी हो गया ये आपका बारह न्यूटन यहाँ लग रहा है ये आपका इक्कीस न्यूटन यहाँ से बाहर आ रहा है है ना ये एफ किसी एंगल पे है तो ये हो जाएगा दो इसके रिजोल्यूशन हो जाएंगे क्योंकि हम लोग कभी भी इंक्लाइन फोर्स लेते ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा सिंस इसके साथ एंगल बन रहा है जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हम साइन लिखते हैं या कौस? कौस तो कौस अल्फा. और जिसके साथ नहीं बनता परफेक्ट ये क्लियर हो गया दोस्तों नाउ नेक्स्ट दिस विल बी आपका ट्वेंटी सिक्स न्यूटन ओके तो आपका ट्वेंटी सिक्स न्यूटन वाला पार्ट हो गया तो यहाँ पे मेरे एफ बी बना दी है बस बाकी क्या है ए बी सी डी मैंशन करना तो ये फोर मीटर हो गया दोस्तों ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहता है एफ वो हमने बना दिया यहाँ पे हिंजेस नहीं है रोलर सपोर्ट नहीं है कुछ नहीं है तो इसलिए ये प्लेन ही आया है ठीक है तो अभी फर्स्ट स्टेप कर ले हमारा हमें निकालना क्या है हमें निकालना है कि ये एफ का वैल्यू कितना आएगा अल्फा कितना आएगा तो यहाँ पे आप समीशन ऑफ एफेक्ट से स्टार्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं होगी करेक्ट है सब है ना समेशन ऑफ इफेक्ट जो भी हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं उनका एडिशन तो हॉरिजेंटल 26 है लेकिन वो पॉजिटिव की हो जाएगा ट्वेंटी वन है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ कॉस है वो भी नेगेटिव रहेगा एफ कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा एफ कॉस अल्फा इक्वल टू फाइव इसको आप इक्वेशन नंबर वन बोल दो राइट नाउ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लो यानी कि जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका एडिशन और जो भी ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ यहाँ पे सिर्फ ये है और ये है तो यहाँ पे एफ साइन अल्फा आएगा इक्वल टू इक्वल टू नहीं दोस्तों माइनस ट्वेल्व न्यूटन और फिर इक्वल टू जीरो क्योंकि ये ट्वेल्व नीचे की तरफ है ट्वेल्व को वहां भेज दो तो हो जाएगा एफ साइन अल्फा इक्वल टू ट्वेल्व अब आप क्या करोगे दोस्तों ये आपका इक्वेशन नंबर टू बन गया अभी तो यहाँ पे ऐसे इक्वेशन में दो अनोन है बट प्रोडक्ट में है तो कभी भी याद रखना जब आपको एंगल निकालना रहता है ना तब आपको ऐसे ही रेशियो बनते हैं फिर आपको क्या करना रहेगा पता है साइन अपॉन कॉस का रेशियो लेना पड़ेगा किसका रेशियो लेना पड़ेगा दोस्तों साइन अपॉन कॉस का तो ऐसा आएगा डिवाइड टू बाय वन तो ये हो जाएगा एफ साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एफ कॉस अल्फा ट्वेल्व बाय सिक्स है ना पर सिक्स नहीं सॉरी फाइव क्योंकि ये फाइव है ना तो लेते वक्त मतलब ये वैल्यूज नीचे लेते वक्त बहुत ध्यान देना अभी यहाँ पे कैंसल हो जाएगा साइन बाय कॉस क्या होता है दोस्तों टैन अल्फा राइट साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फाइस टेन अल्फा ट्वेल्व अपॉन फाइव अभी अल्फा निकालने के लिए आपको टेन को उस साइड भेजना होगा जब आप टेन को शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स ट्वेल्व बाय फाइव तो जब आप टेन इनवर्स ट्वेल्व बाई फाइव निकालोगे तो आपको आंसर कितना आता है दोस्तों वो तो क्या बताएगा हमें टेन इनवर्स ट्वेल्व अपॉन फाइव इक्वल टू डी सेवन एट कितना आ गया दोस्तों अल्फाइटी सेवन पॉइंट थ्री एट डिग्री एक बार अल्फा मिल जाने के बाद आप या तो इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो आपको एफ का वैल्यू आ जाएगा तो यहां पे सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं पुट अल्फा इक्वल डिग्री इन इक्वेशन वन तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एफ साइन अल्फा यानी कि अल्फा की, की जगह आपको वैल्यू लिखनी है सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री एट इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ ये साइन मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा कैल्सिम में पुट करके देखे कितना आता है ट्वेल्व या आता है थर्टीन पॉइंट जीरो वैल्यूज क्लियर हो गई हूँ कि कौन सी वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट की हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं क्वेश्चन में हमें बोला गया था फाइंड एफ एफ अल्फा एंड AD तो so, हमने एफ निकाल लिया यहाँ पे हमारा अल्फा निकाल लिया हाँ यहाँ पे हमारा अल्फा ये, ये देखो यहाँ पेवन पॉइंट थ्री एट अब हमें क्या निकालना है AD तो कोई भी लेंथ निकालने के लिए हम किस पे रिलाई करेंगे ऑब्वियसली हम रिलाई करेंगे मोमेंट मोमेंट का सहारा लेंगे राइट तो मोमेंट निकाल लेते हैं फटाफट तो मोमेंट के लिए सबसे पहले आप लिख दो इसका कंडीशन दैट समेशन ऑफ मोमेंट अब कौन से पॉइंट के अक्रॉस ले लें दोस्तों सिंस हमें ये डिस्टेंस निकालना है एडी तो मैं इसके अक्रॉस ले लेती हूँ राइट तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट अक्रॉस पॉइंट डी इक्वल टू जीरो एंड जो भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे जो भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इसको हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर लेते हैं पहले वाले सम में हमने क्या किया कंसिडर किया था जो भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा जो भी क्लॉकवाइज आएगा वो नेगेटिव यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं जो भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो नेगेटिव ताकि आपका ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए ठीक है तो दोस्तों मोमेंट निकालने का कंडीशन क्या है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना तो यहां पे फोर्स कौन सा है सबसे पहले इस पॉइंट से देखो कौन कौन से फोर्स है अब ये जो फोर्स है ट्वेंटी वाला वो तो उसके स्ट्रेट लाइन में लग रहा है ना उसी लाइन में लग रहा है कोई दूरी पर नहीं लग रहा है स्ट्रेट लग रहा है उसी पॉइंट पे है वो तो हम ये वाला फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे हम कौन से फोर्स कंसिडर करते हैं जिसका कोई डिस्टेंस हो अगर ये थोड़ी दूरी पर लगता जैसे ये न्यूटन की मैं बात करूं ये ट्वेंटी सिक्स न्यूटन दूरी पर लग रहा है तो और वो कितनी दूरी है ये इतनी दूरी है ये कितना है फोर तो इसकी तरह यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा दोस्तों ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर अब चेक करना है डायरेक्शन तो ये यहां से बॉडी को हम कंसिडर करते हैं क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्लॉकवाइज को हमें पॉजिटिव लेना है तो ये पॉजिटिव ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर ठीक है अब नेक्स्ट के इस पे जाते हैं नेक्स्ट इस पे क्या आएगा ये ट्वेल्व न्यूटन ये ट्वेल्व न्यूटन का जो फोर्स है वो इस लाइन पे लग रहा है।, है ना ये पूरे लाइन पे और कितने डिस्टेंस की दूरी पे है ये एडी डिस्टेंस की दूरी पर है ये डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है तो ये डिस्टेंस कितना है एडी तो इसको हम कैसे इधर लिखेंगे ट्वेल्व न्यूटन इंटू एडी और ये बॉडी को किस तरह घुमाएगा ये बॉडी को घुमाएगा एंटी क्लॉक वाइज तो एंटी क्लॉक वाइज इसके लिए क्या लेना है दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो क्लियर कर दिया अभी सेम मैं इसको साइन कन्वेंशन बदल के लिख के दिखाती हूँ जीरो एंड क्लॉक वाइज को नेगेटिव ले लेते हैं किसको नेगेटिव लेंगे दोस्तों जो भी क्लॉक वाइज घूमेगा तो यहाँ पे जो ये वाला फोर्स है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा था ट्वेंटी सिक्स न्यूटन है ना तो ये यह यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 4. अब यहां पे देखो ये 12, ये बॉडी को है, ऐसे घुमाएगा राइट तो ये कैसे घुमा रहा, रहा है बॉडी को एंटी क्लॉक वाइज ट्वेंटी घुमा रहा था क्लॉकवाइज कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉक वाइज इसके लिए यहां पे हम इसको ले लेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव ट्वेल्व इंटू एट इक्वल टू जीरो अब ये वाला कैलकुलेशन आप कैल्सी में अगर करोगे तो देखो क्या आंसर आता है ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर ब्रैकेट ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर माइनस ट्वेल्व इंटू अभी ये यहाँ पे अननोन क्या है हमारा डी अननोन है तो हम डी को एक्स ले लेंगे कैलसी में और एक्स की वैल्यू देखते कितनी आएगी एक्स को एक्टिवेट करने के लिए अल्फा को एक्टिवेट करो अल्फा इक्वल टू फिर जीरो फिर शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू तो आपका वैल्यू आ जाता है एट पॉइंट सिक्स 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 मीटर आएगा राइट क्योंकि यहाँ पे फोर मीटर दिया हुआ है तो ये वाला डिस्टेंस भी मीटर में ही आएगा नाउ नेक्स्ट अब इसको भी पुट करके देख लेते हैं बस साइन बदलना है ये यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देनी है आपको और यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन लगा देनी है शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू तो ये भी आ गया 8.66 तो आपको समझ में आया दोस्तों कि भले ही डायरेक्शन का कन्वेंशन आप चेंज करते हो तो भी आंसर वही आता है पॉइंट के बाद तीन डिजिट लिखना एग्जाम में बेटर रहेगा तो ये रहा आपका एडी का वैल्यू तो आपको जो भी चीजें निकालने के लिए बोली गई थी आपने वो कैलकुलेट कर लिया हमारे साथ है ना एक रहा ये आपका अल्फा का वैल्यू ये आपका एफ का वैल्यू एंड ये आपका एडी का वैल्यू दैट इज द डिस्टेंस तो आई होप आपको वन शॉर्ट लेक्चर इक्विलिब्रियम का काफी पसंद आया हो एंड ये न्यूमेरिकल्स भी आपको इजीली समझ में आए हो काफी सिंपल है और डिटेल में चाहिए तो इसका पूरा लेक्चर सीरीज है उसमें न्यूमेरिकल के पार्ट एंड में एक्सप्लेन किए गए हैं डिटेल में तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो जाके देखे क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं वो यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं एंड उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं इसके लिए आपको इजी हो जाएगा एंड आई इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो ट्राई करके देखो एंड इफ एनी डाउट लेटस्ट नो इन द कमेंट सेक्शन टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर गुड बाय टेक केयर कीप लर्निंग